इस लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा बुक से साउंड वेव चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 79 से सॉल्व करेंगे। भाई साउंड सोर्स फिक्स्ड एट द ओरिजिन, एक साउंड सोर्स है जो ओरिजिन पर फिक्स है, इज कंटिन्यूअसली इमिट साउंड ऑफ एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 660 हर्ट्ज, और इससे लगातार फ्रीक्वेंसी निकल रहा है 660 हर्ट्ज। द साउंड ट्रेवल्स इन एयर, साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है। ए लिसनर इज मूविंग अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू 336 मीटर, x बराबर 336, कहने का मतलब कि ऐसे अगर ये दूरी 336 मीटर है तो इस समीकरण का नाम हो गया x बराबर 336, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 336। एट ए कांस्टेंट स्पीड 26 मीटर पर सेकेंड, इस पर एक लिसनर 26 मीटर पर सेकेंड से इस पर चल रहा है, 26 मीटर पर सेकेंड से एक लिसनर x बराबर 336 मीटर जो लाइन है इस पर चल रहा है। x बराबर 336 इस लाइन का नाम है, मतलब यहां से 336 मीटर दूर बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन x बराबर 336 कर रहा है। कह रहा कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एज ऑब्जर्व बाय द लिसनर व्हेन ही इट इज बाई बराबर -140, जब बाई बराबर -140, मतलब यहां है लिसनर ऑब्जर्वर आई सोर्स, तब बताना है किसी कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। आई चल रहा है इधर 26 के स्पीड से, ऑब्जर्वर यहां सोर्स हो गया, तो सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, अगर ये मान ले कि कौन थीटा है तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी 26 कॉस थीटा, आई 26 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, हमारा हो जाएगा 140 का स्क्वायर जोड़ 336 के स्क्वायर का रूट ओवर, 140 का स्क्वायर और 336 के स्क्वायर का रूट ओवर आपका आया है, हम लोग करके रखे थे अभी, 140 का स्क्वायर 336 के स्क्वायर का रूट ओवर बराबर आ रहा है 364, तो जगह 26 गुने 140 बटा 364, मैंने इतना वेलोसिटी से ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आ रहा है, तो जब कोई ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आए तो फॉर्मूला वी प्लस वी नॉट बटा वी इनटू न्यू, तो वी का मान कितना देंगे 330 और प्लस और 26 गुने 140 बटा 364 करना होगा, तो कर लेते हैं कि 26 गुना 140 मोबाइल में कर लेते हैं, छब्बीस गुना 140 बटा 364, छब्बीस गुना 140 बटा 364 बराबर 10, 330 प्लस 10 बटा 330 गुने 660 गुने 2, तो 340 गुना 2 680 पर आंसर। अब कह रहा है कि दूसरा की बाई बराबर 0 पर, बाई बराबर 0 है, x बराबर 336 का मतलब यहां x बराबर 336 लेकिन बाई बराबर तो 0 है, तो बाई बराबर 0, तो बाई बराबर 0 का डॉपलर इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि जो है आपका सोर्स यहां है और ऑब्जर्वर यहां है, तो बाई बराबर 0 का कोई डॉपलर इफेक्ट होने वाला नहीं, इसका मतलब 660 हर्ट्ज है, यहां फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा 660 हर्ट्ज, यहां पर जो सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी 660, क्योंकि इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस लाइन की तरफ नहीं, ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाले लाइन की तरफ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन अब तीसरा सवाल कह रहा है कि जब 140 ऊपर चला जाए 26 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है,
अब बताओ कि क्या सुनाई देगा। तो अब सोर्स और ऑब्जर्वर को जो मिला गया लाइन लिसनर या ऑब्जर्वर, तो अभी तो दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है 26 के स्पीड से, और अगर ये कोण मान लो कि थीटा है तो फिर से 26 cos थीटा, और ये थीटा भी थीटा, और फिर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, वही सेम टू सेम। हर इस बार अंतर यह है कि 26 cos थीटा से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो माइनस 330 के जगह 340 के जगह 320 गुणे 2 640, तो यहाँ अंतर आ जाएगा 640। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर। 330 प्लस 10, यहाँ पर 330 माइनस 10, इसका मान तो 10 आएगा, 26 cos थीटा का मान 10, तो यहाँ आएगा 330 माइनस 10 320, तो 320 और फिर कटेगा 2 तो 640 हर्ट्ज। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80। एक ट्रेन रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 18 छक 54 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, पूरब की तरफ एक ट्रेन 30 की स्पीड से जा रहा है और इसका फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340, साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फ्रीक्वेंसी बी द पैसेंजर सिटिंग नियर द ओपन विंडो हियर, व्हाट फ्रीक्वेंसी बी द पैसेंजर सिटिंग नियर द ओपन विंडो हियर, उसी ट्रेन के अंदर में कोई पैसेंजर बैठा हुआ खिड़की के बगल में क्या सुनेगा। तो अगर पैसेंजर बैठा हुआ तो जितना स्पीड से ट्रेन जा रहा है, किस के स्पीड से, तो पैसेंजर उसी के अंदर बैठा हुआ, तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी तो होगा नहीं, जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा तो एक और फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा इसको 500 हर्ट्ज। एक आंसर बी में है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी बी ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक हियर हुम द ट्रेन है जस्ट पास। एक पैसेंजर है, एक पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक, ट्रैक के नीचे पैसेंजर है खड़ा है, उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, है जस्ट पास। जस्ट पास का मतलब मनुष्य जस्ट क्रॉस कर गया, आगे बढ़ गया, मतलब सोर्स आगे बढ़ चुका है। जब सोर्स आगे बढ़ चुका है तो फ्रीक्वेंसी होगा भी बटा भी प्लस भी एस इंटू न्यू, सोर्स आगे बढ़ चुका है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 बटा 340 प्लस 30 अगुने 500, 340 बटा 370 अगुने 500। तीन सौ चालीस गुना 370 बटा 5 तो देखा 251.6, 251.6, 340 गुने 500 गलत कह दिया, 340 गुना 500 बटा 370 तो 459.4, 459.4 हर्ट्ज, 80 में 459 हर्ट्ज। सी में ए विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवार्ड्स ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, अगर हवा चलना शुरू हो जाए 36 किलोमीटर पर आवर से फिर से ईस्ट की तरफ, इधर ट्रेन है उधर हवा चलना शुरू हो गया है 36 किलोमीटर पर आवर से, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज हियर्ड बाय द पैसेंजर इन द ट्रेन एंड बाय द पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पैसेंजर, पैसेंजर पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसेंजर और ट्रेन के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, तो पैसेंजर का तो फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देगा 500 हर्ट्ज। लेकिन अब है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हियर बाय द पैसेंजर इन द ट्रेन, तो हो गया
एंड बाय द पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक। अब बात है कि जो ट्रैक के नजदीक में है, तो ट्रैक के जो नजदीक में बैठा हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा जब ट्रेन आगे बढ़ जाएगा। तो जब ट्रेन आगे बढ़ जाएगा तो साउंड का वेलोसिटी कितना है, 340 है। साउंड का वेलोसिटी 340 है, तो ट्रेन जा ही रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। लेकिन इसी तो साउंड निकलता है 340 के स्पीड से निकलता है, तो 340 के स्पीड से साउंड निकलता है उससे। लेकिन हवा का चाल है 36 किलोमीटर पर आवर उधर ही, तो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से 36 किलोमीटर पर आवर का हो गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर का 10 मीटर पर सेकंड, और ये साउंड का वेलोसिटी 340 है और उधर ही जा रहा हवा में। ये दो मतलब कार या दो कोई गाड़ी एक ही डायरेक्शन में अगर चलेगी तो उसके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है, दोनों के वेलोसिटी का अंतर। तो इस हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी का मान 340 और 10 से कितना है 330। तो जो हमने यहाँ पर पुट किया था 340, अब यहाँ पुट करना चाहिए हमको 330। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा 330 बटा 330 प्लस 30 अगुने 500। ये तो ट्रेन का अपना है 30, लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड पर असर पड़ गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड, लेकिन हवा चल रहा है डायरेक्शन में 10 के स्पीड से, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 330। तो ये जगह 330 गुने 500 बटा 360, 330 गुना 500 बटा 360 458.3 के आसपास, 458.3 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 81। ए बॉय राइडिंग ऑन ए बाइसिकल गोइंग एट 12 किलोमीटर पर आवर। बॉय जो है साइकिल से जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 गुने 5 बटा 18, 6 दूनी 12 छोटी 18, 10 बटा 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दीवार से वर्टिकल वॉल एक दीवार की तरफ, व्हिसल एट हिज डॉग ऑन द ग्राउंड, ये व्हिसल बजाता है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल इज 1600 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल एज रिसीव बाय द बाल। तो बाल हो गया तरह से ऑब्जर्वर, ये हो गया सोर्स, सोर्स जा रहा ऑब्जर्वर की तरफ, इसलिए वी बटा वी माइनस वी एस इंटू न्यू। तो 330 बटा 330 माइनस 10 बटा 3 अगुने 1600, तो 330 बटा 330 माइनस 10 बटा 3 गुने 1600। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1600, 330 गुने 3 990 में 10 घटेगा 980 और 3 चला जाएगा ऊपर, तो 990 और नीचे 980। तो सॉल्व कर देते हैं, 990 गुना 1600 बटा 980 बराबर 1600। इतना साउंड दीवार तक पहुंचा है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल इज रिसीव बाय द बॉल, बॉल इतना रिसीव किया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड व्हिसल इज रिसीव बाय द बॉल, फिर इसको ये रिफ्लेक्ट करके इस सुनेगा बॉय, तभी हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की तरफ, तो v प्लस v नॉट बटा v इनटू न्यू, न्यू मत ही मिला न्यू, तो 330 प्लस 10 बटा 3 बटा 330 अगुने 16, 16 तो 3
तो 990 और 10, 1000 बटा 990 गुने 1600, 1000 ऊपर 1000 बटा 990, 990 ऊपर में गुना 1600, तो गुना 1632। ये जो क्वेश्चन नंबर 81 में पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड सेंड्स ए साउंड सिग्नल टू द ड्राइवर ऑफ ए कार। पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड सेंड्स ए साउंड सिग्नल टू द ड्राइवर ऑफ ए कार गोइंग अवे फ्रॉम हिम बाय द स्पीड 72। 72 का मतलब 20, कार जा रहा है 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड। द सिग्नल ट्रेवलिंग एट 330 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड in air and having a frequency 1600 Hz, 1600 frequency यहाँ से signal भेजा from the body of the car and returns, और जाके कार के body से reflect हुआ और फिर return वापस आया, तो reflected signal का frequency क्या होगा? तो पहले तो कार के पास जाएगा, कार हो गया एक observer, observer जा रहा है, सोर्स रुका हुआ है, नहीं कार हो गया एक observer, हाँ ऑब्जर्वर जा रहा है, सोर्स रुका हुआ, ऑब्जर्वर जब जा रहा है तो वी माइनस वी नॉट बटा वी इंटू क्यू, तो 330 माइनस 20 बटा 330 गुने 1600। अभी साउंड जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर एस्ट में, सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है तो वी बटा वी प्लस वी एस इंटू न्यू, लेकिन न्यू का मान तेवला होगा, तो 330 बटा 330 प्लस 20 और गुने 330 में 20 गया तो 310 बटा 330 और गुने 1600, ये कट जाएगा 330 20 350 31 बटा 35 गुने 1600, तो 31 बटा 35 और गुने 1600, 31 गुने 1600 बटा में 35 बराबर 1417, तो आई क्या लगभग 1417। ये क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर।